जब भी मैं वीडियो बनाना सोचूं तो कोई ना कोई आ जाता है। देखो भैया आ गए हैं, देखो झाड़ू पकड़ी हुई हूँ मैं और आगे भी जला दी हूँ। तो चलो आज मैं दिखाऊंगी आपको शाम के टाइम जो काम करती हूँ उसका। तो ये देखो हमारा बिल्ला सोनू नाम है इसका, तो ये बीमार है। उसके बाद हम लोग झाड़ू करेंगे, फटाफट से झाड़ू करेंगे ताकि भैया आने से पहले हम लोग जल्दी जल्दी काम सब कर ले और रिकॉर्डिंग भी कर ले, क्योंकि भैया जो है ना वो अभी नहाने घुसा हुआ है तो इसीलिए। और गाइस ये है जो मैं आगे जलाती हूँ ना उसका राख, अब इसमें बाथरूम है बोलेंगे तो बिल्ली लोगों के लिए, तो वो भी रखना ज़रूरी, नहीं तो फिर घर पूरा गंदा कर देते ये लोग। तो सबको समेट समेट के फिर झाड़ू करेंगे ताकि वो गंदा जो रहता है ना सुबह से लेकर शाम तक वाला, उसको फिर अच्छा से झाड़ू करने से फिर वो हट जाएगा, इसीलिए फिर अच्छा से झाड़ू करेंगे और उसके बाद सब चीज़ समेट के रखेंगे, क्योंकि फिर मैं बाहर झाड़ू करूँगी कि और फिर अपना अपना जगह में चप्पल सबको रखना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर इतना बड़ा आंगन नहीं है, बस छोटा सा आंगन है और पाइप सब भी, क्योंकि यहाँ पे पानी आता है ना तो कोई समेटता नहीं है। कभी कभी मैं भी नहीं समेटती हूँ, तो कभी कभी झाड़ू करती हूँ तो मैं समेट लेती हूँ ऐसे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी झाड़ू वाड़ू करने के बाद फिर हम लोग करेंगे बर्तन साफ़। थोड़ा सा बचा हुआ है सुबह का खाना, इसको हम लोग दूसरे बर्तन में रखेंगे क्योंकि साफ़ करना पड़ेगा ना मेरे को, और ये खाना भी मेरे को ही खाना पड़ेगा क्योंकि बासी हो जाएगा ना फिर ख़राब हो जाएगा, तो इसको धोना पड़ेगा हमें। तो गाइस मेरा भैया जो है वो आ गया था, तो इसीलिए मैं ऐसे ही दिखाई, दाल चढ़ा दी थी, अभी नाश्ता करूँगी मैं सारा चीज़। और वो जो खाना था ना वो भैया खा लिया, सब्ज़ी बच गया था तो मेरे को ही खाना पड़ेगा, तो क्योंकि बेकार हो जाएगा ना, तो इसीलिए बेकार नहीं चाहती मैं कि बेकार हो। और देखो मैं अगर खाने स्टार्ट करती हूँ ना तो ये लोग भी आ जाते हैं, और एक नहीं दो नहीं तीन, सब सारे जितने भी हैं ना सारे आ जाते हैं ऐसे। तो सबसे पहले थोड़ा सा देंगे क्योंकि खाएंगे कि नहीं खाएंगे पता नहीं, फिर देखिए मैं खा रहे तो दोबारा थोड़ा ज़्यादा सा दे दी ताकि सब खाए, ज़्यादा सा खाए। तो मेरा दाल पक गया था, मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी उसमें ऐड करके फिर उसको थोड़ा उबलने देंगे, उसके बाद फिर मेरा हो गया था, तो अभी थोड़ा सा तेल देंगे, फिर मिर्चा जीरा, मतलब जीरा फर्स्ट फिर मिर्चा, उसके बाद थोड़ा सा प्याज और उसको थोड़ा ब्राउन होने देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग दाल छोंकेंगे, और दाल छोंकने के बाद फिर थोड़ा सा उबलने देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोग हैं ना, तो इतना देखो गाइस मेरा हो गया। फिर तो उतारने के बाद फिर मैं इसको खाना चढ़ा दी हूँ, उसके बाद फिर ये इसको धोना पड़ेगा कढ़ाई को। तो सारा चीज़ हो गया था मेरा, आलू आज आलू और जीरा का सब्ज़ी बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग पानी मतलब क्या धो दिए कढ़ाई को, उसके बाद फिर हम लोग तेल डालेंगे, उसके बाद फिर मिर्चा डालेंगे, फिर आलू, और इसको ढक के पकाना पड़ेगा, बीच बीच में देखना भी पड़ेगा, और नमक पहले में ऐड कर देना है क्योंकि बड़ा बड़ा आलू है ना, नहीं तो फिर उसके अंदर नमक नहीं घुसेगा, तो इसलिए इसको पकने के बाद थोड़ा थोड़ा पकने के बाद जब ये थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होते जाएगा ना, उसके बाद फिर आप इसमें प्याज ऐड कर सकते हो, फिर प्याज को भी थोड़ा ढक के पकाओ, नहीं तो फिर वो कच्चा कच्चा लगेगा ना इसलिए। उसके बाद फिर आप जीरा डाल दो जो मैंने खुद पीसा था, और थोड़ा सा मसाला क्योंकि भैया को ज़्यादा मसालेदार पसंद नहीं। तो उसके बाद फिर बाद में पकने के बाद फिर देखो पक गया मेरा पूरा, ऐसे ढक के पकाने से फिर यह जल्दी पकता है और अच्छा भी पकता है। तो जो मसाला मैं दी थी जीरा, उसको थोड़ा पकने देंगे, और इसके बाद फिर हो जाएगा मेरा सब्ज़ी भी रेडी और खाना भी रेडी हो गया था। सब्जी जो होने के बाद अभी है डिनर के बारे, ये देखो गाइस मैं बर्तन में ही खाती हूँ, थाली में मुझे इतना पसंद नहीं, और ऑमलेट भी बनाई थी मैं, और अभी बारी है सोने का, हम लोग साथ में सोते हैं ना तो ऐसे सोते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, वीडियो में आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बाय।